हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब टेल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को, और जानेंगे कौन कौन से कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया है, ये रायत बाहरा यूनिवर्सिटी से आया है, विच एस्टेब्लिश बाई पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ 2015। तो यहाँ पे आप देख सकते, रेगुलर बेसिस पे फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। यहाँ पे देख सकते, आपको यहाँ डिफरेंट में सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो साइंस के हो, चाहे आर्ट्स के हो, या टेक्निकल सब्जेक्ट हो, तो सारे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मेंशन कर रखे हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी एंड सैलरी जो आपको दी जाएगी वो एज पर यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर रखे, अगर आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो सेंड करना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rayatbahrayauniversity.com पे दे रखा है, अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू अटैच योर फोटो कॉपीज ऑफ योर ऑल डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू सेंड इट विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये आपको जो है सेंड कर देना है। और ये जो पोस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो इन्होंने रेगुलर बेसिस पे कर रखा है। तो यहाँ पे आई थिंक ये पोस्ट जो है परमानेंट है, रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा नोटिफिकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन आया वो आया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेशन। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेशन के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन को इन्वाइटेड किया गया है। तो यहाँ पे टीचिंग एंड रिसर्च के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के लिए वैकेंसीज को यहाँ पे निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। क्योंकि बात करें नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो एग्जीक्यूटिव असिस्ट या एडमिन ऑफिसर, टेक्निकल मैनेजर, आईटी टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, ये सब वैकेंसीज के लिए यहाँ पे निकाला गया है। अब बात करें अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, वो तो ये जो रहेगा वो आपका रहेगा एज पर यूजीसी नॉर्म्स। और आप फर्दर डिटेल्स इसके लिए जानना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ier.ac.in पर जो है आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। और यहाँ पे जो लास्ट डेट मेंशन कर रखी है वो 12th मार्च 2021 है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया IMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग पोजीशन, प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो फिर आप देख सकते हैं मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक लाइक मैनेजमेंट, तो इन सब के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी वैकेंसीज को निकाला गया है। वहीं बात करें मैनेजमेंट की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायो साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी वैकेंसीज को निकाला गया है। वहीं अगर बात करें नॉन टीचिंग पोजीशन की, यहाँ पे हेड एडमिशन, डेप्टी हेड प्लेसमेंट, टैली कॉलर फॉर एडमिशन, मैनेजर, तो इन सब की वैकेंसीज को यहाँ निकाला गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी जो रहेगी वो रहेगी एज पर AICTE और CCS यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप जो हैं इसके लिए सीरियस हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना रिज्यूमे में वो अपलोड करना है इस वेबसाइट पे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करता है, इस पे आपको जाके अपना लाइक रिज्यूम जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपन नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, तो हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया वो अन्नाई फातिमा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से आया है, जो कि मदुरई में सिचुएटेड है, जो कि नैक एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, विच इज एफिलेटेड टू मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आर्ट्स और साइंस सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया है। सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन कर रखा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हाउस कीपिंग, टूरिज्म, एयरलाइन, होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोटेक्शन। तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस या नॉन साइंस, तो सबके लिए यहाँ पे निकाला गया है। इसके लिए इसके अलावा यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकाली गई, जैसे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन, एडिशनल कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन। और जो सैलरी है वो आपकी फिक्स नहीं है, उन्होंने मेंशन की, तो फिक्स सैलरी जो रहेगी वो आपकी एज पर लाइक UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो भी आपको एज पर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगी। इसके अलावा कुछ और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट को निकाला गया, जैसे डिप्टी वार्डन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, हाउस कीपिंग मैनेजर, कैंपस सुपरवाइजर, तो इनकी वैकेंसीज को भी यहाँ पे निकाला गया। तो अगर आप इंटरेस्टेड इन पोस्ट में तो आप अपना रिज्यूम जो है वो सेंड कर दीजिए 7 डेज अलॉन्ग विद द जीरोक्स कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड रिसेंट पोस्ट साइट फोटोग्राफ पे। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, अपना रिज्यूम जो सेंड कर देना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी जॉब में और इस यूनिवर्सिटी में, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इन वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।